मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस मीन्स टू इक्वल ऑब्जेक्ट। व्हेन वन ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली फॉल्स ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट, वी कैन से टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो देयर आर सिक्स एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स, विच डिसाइड द शेप एंड साइज ऑफ अ ट्रायंगल। सो देयर आर सिक्स एलिमेंट्स हैं ट्राइंगल के, जो डिसाइड करते हैं शेप और साइज ट्राइंगल की। थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स, लाइक वी हैव टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हाउ इट इज कॉन्ग्रुएंट? एन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। दीज आर थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स आर ए बी साइड इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी साइड इक्वल टू पी आर एंड बी सी साइड इक्वल टू क्यू आर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिक्स एलिमेंट्स वी हैव फोर कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस। सो फर्स्ट इज साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। So we can also say it triple S congruence condition. So let us make these two triangles ABC and PQR. Here side AC equal to PR, that is 5.5 centimeter, and AB equal to PQ, that is 6.5 centimeter, and BC equal to RQ, that is QR, that is 4.5 centimeter. So here all the three sides of these two triangles are equal, so we can say triangle ABC is congruent to triangle PQR, and these two triangles fulfill the triple S congruence condition. Next is side angle side congruence condition. Like we have two triangles O and M and XYZ. So here two sides and one angle are equal. O N equal to XZ, that is 4 centimeter, and M N equal to YZ, that is 5 centimeter, and angle between two sides is same, that is 60 degree. So it fulfills the condition of SES and side angle side congruence condition. So therefore